इस भीड़ को देख करके कोई कह सकता है क्या कि अभी सुबह के 6:30 बजे होंगे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों एक और सफर में हम लोग निकल रहे हैं आज नॉर्थ ईस्ट की ओर और नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में, और हम हैं फिलहाल अभी आनंद विहार रेलवे स्टेशन में। बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन बनाया है, काफी साफ सुथरा, लेकिन भीड़ बहुत ही ज्यादा। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि सुबह इतनी ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। चलिए चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर और बाकी बातें आप लोगों से वहीं पे करता हूँ। मेरे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आते आते नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस को लगा दिया गया है और अभी 6:40। तो ये है अपनी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 2 टायर का इंटीरियर दोस्तों। साफ सफाई थोड़ी कम दिखाई दे रही है, बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको जर्नी के दौरान पता चलेगा। क्या 2 टायर का ये इंटीरियर, और आपको साइड लोअर में एक चार्जिंग सॉकेट वहाँ देखने को मिल जाता है, साइड अपर में कुछ नहीं है, और यहाँ जो 4 लोग का केबिन है उसमें भी 2 दिए गए हैं। गजब का सामान भरा जा रहा है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में। तो दोस्तों बिल्कुल राइट टाइम हम लोग चल चुके हैं आनंद विहार से, और यहाँ लोगों का सामान नहीं अट पा रहा है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में, काफ़ी जद्दोजहद चल रही है यहाँ पे। सामने हमारे खड़ी हुई है आनंद विहार भुवनेश्वर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो 8 बजे यहाँ चलेगी और हम लोग 7:40 चल रहे हैं। जिन लोगों ने हमारा कैपिटल एक्सप्रेस की जर्नी का ब्लॉग देखा है उन्हें पता होगा कि मैं बागडोगरा में पैदा हुआ था। तो मतलब जब हमारी फैमिली वहाँ रहती थी ना, तब से मेरी इच्छा होती थी कि यार नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में एक बार बैठूँ, एक बार उसमें जर्नी करूँ, पर कभी ये पूरी नहीं हो पाई। और आज जा करके इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद ये मेरी जो विश है ना, आज पूरी हो रही है और हम लोग नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में जर्नी कर रहे हैं। हमारी आज के पूरे दिन की सबसे पहली क्रॉसिंग देखने की, हमारे संदीप भाई की फेवरेट शिवम एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग। दोस्तों मैं अपनी ट्रैवल बुकिंग के लिए वीगो ऐप का यूज़ करता हूँ। वीगो एक ट्रैवल ऐप है जो कि आपको वर्ल्ड वाइड फ्लाइट्स, होटल्स एंड एक्टिविटीज़ बुक करने में मदद करता है, और ये मेरे ख्याल से बेस्ट ऐप है क्योंकि ये 100 से ज़्यादा वेबसाइट्स, 1000 से ज़्यादा डील को कंपेयर करके आपको बेस्ट डील कम से कम रेट में प्रोवाइड करता है। हाल ही वीगो ने IRCTC में ट्रेन टिकट बुकिंग भी शुरू की है। अपनी ये टिकट भी मैंने वहीं से बुक की है जो कि चंद क्लिक्स में बुक हो गई। इसमें जो बुकिंग प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, ट्रेन टिकट बुक करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। वीगो ऐप को डाउनलोड कीजिए, ट्रेन आइकन पर क्लिक कीजिए, सो स्टेशन पर क्लिक कीजिए, डेस्टिनेशन पर क्लिक कीजिए, डेट चूज़ कीजिए, सर्च रिजल्ट पर जाइए और जो बेस्ट ट्रेन आपको लगे उसे चूज़ कीजिए, अपनी टिकट को चंद ही क्लिक्स में बुक कीजिए। मेरी तरफ से आप लोग के लिए एक टिप ये भी रहेगी कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक बार फ्लाइट का किराया भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार वीगो ट्रेन के किराए से कम किराए में फ्लाइट टिकट भी प्रोवाइड करता है। तो देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वीगो आपको डाउनलोड कीजिए और अपनी ट्रैवलिंग को शुरू कीजिए। अवध असम एक्सप्रेस लालगढ़ डिब्रूगढ़, हम उसके आगे निकलने वाले हैं दोस्तों गाजियाबाद से। भागलपुर आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस, काफ़ी ऐतिहासिक ट्रेन है, और इसका इनॉग्रेशन 1 अप्रैल 1986 में हुआ था। तब ट्रेन को ट्रेन नंबर दिया गया था 921। सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा है ना, लेकिन तब ट्रेन का नंबर 921 ही था, 3 रेक का नंबर, और 1988 में इसे रीअसाइन कर दिया गया था नया नंबर 2521, और फिलहाल जिसमें आज हम ट्रैवल कर रहे हैं इसका ट्रेन नंबर है 02550 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, जिसमें हम लोग 861 किलोमीटर की दूरी को तय करने वाले हैं। लगभग 33 आवर्स हमें इसमें लगेंगे। गाजियाबाद से निकलते हैं, हम लोग को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार परमिशन है। तो अब यहाँ से हमारा जो रफ्तार का तांडव है शुरू होता है, और अब मज़ा आने वाला है इस जर्नी में। आप लोग भी एंजॉय कीजिए मेरे साथ इस जर्नी को एंड टू। कर्टेंस वगैरह हट गए हैं ना, धूप डायरेक्टली फेस पर लगती है। यहाँ पे देखिए विंडो में कर्टन नहीं है और धूप लग रही है, लेकिन आप लोग तैयार हो जाइए,
राजधानी गैंग आने वाला है, भुवनेश्वर हावड़ा राजधानी दोनों से क्रॉसिंग देखिए, फिर मिलेगी मंडवाड़ी नई दिल्ली एक्सप्रेस, उसके बाद पहुँचते हैं अलीगढ़। दोस्तों यहाँ हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है अलीगढ़ जंक्शन, जो कि 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, और जो अलीगढ़ जंक्शन है यहाँ से बरेली के लिए भी लाइन गई है और दिल्ली लाइन से तो हम लोग आ ही रहे हैं जो कि कानपुर की ओर जा रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है सूरत का। हालांकि राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेन तो नहीं रुकती, पर हमारी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस यहाँ पर रुकती है जो कि एक सुपर फास्ट ट्रेन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेन है सूरत की। यहाँ पर 9:13 का ट्रेन का अराइवल था और हम लोग यहाँ पर समय से 5 मिनट पहले ही पहुँच चुके हैं और 2 मिनट मात्र यहाँ पर स्टॉप है। 9:15 की ट्रेन यहाँ चलेगी। चलिए मिलता हूँ आप लोगों से अलीगढ़ के डिपार्चर। अलीगढ़ स्टेशन का जो लुक है ना, ये मुझे काफ़ी पसंद है और यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं अलीगढ़ जंक्शन से। 1865 में दोस्तों अलीगढ़ जंक्शन को बनाया गया था और तब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है सूरत का। वैसे अलीगढ़ अपने तालों के लिए मशहूर है, तो अलीगढ़ के रहने वाले हैं इस चीज़ को ज़रूर कन्फर्म कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। फिलहाल हमारी ट्रेन निकल चुकी है अलीगढ़ जंक्शन से। दिल्ली कानपुर का ये जो सेक्शन है आप लोगों ने मेरे साथ कई बार देखा है, ठीक है, तो इसको उतना डिटेल में ना कवर करते हुए हम लोग फोकस करेंगे आज कानपुर फतेहपुर दीनदयाल उपाध्याय वाले सेक्शन में, जो कि दिन में आएगा दोपहर में आएगा, इसको थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। और उसके बाद ये ट्रेन जाती है दानापुर होते हुए, बाकी का रूट आपको आने वाले इस वीडियो में पता चलता रहेगा ऐसे ही। चलिए फिलहाल मैं आप लोगों से जल्द मिलता हूँ, अलीगढ़ से हम लोग चल चुके हैं। चली जा रही है, टेम्परेचर भी 42 डिग्री है यहाँ पे, आप देख सकते हैं इटावा का हाल। और हम लोग 11:43 पे 11:43 पे इटावा जंक्शन पहुँच चुके हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर 42 पहुँच चुका है, गर्म हवा चल रही है बाहर, इसलिए मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहा हूँ अभी। ज़्यादा देर नहीं रुके हम लोग इटावा में और 11:48 पे हमारा डिपार्चर होता है इटावा से। बहुत गर्मी है, अंदर रहने में भलाई है दोस्तों, आप लोग भी बाहर मत निकलिएगा क्योंकि लंबी जर्नी है और हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है। ओवर टेकिंग कालका मेल बिफोर कानपुर। वो लाइन जो है दोस्तों वो आ रही है कानपुर अनवरगंज रेलवे स्टेशन से, आगे वही रूट जाता है कासगंज फरुखाबाद। दोस्तों 1:25 का टाइम है और यहाँ 1:23, मतलब थोड़ा सा ही पहले, बिल्कुल राइट टाइम हम लोग पहुँच चुके हैं कानपुर सेंट्रल यानी अपने शहर। मैं कानपुर का ही रहने वाला हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें बता दूँ, और हम लोग अपने शहर अब पहुँच चुके हैं दोस्तों। बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कोच्ची वैली की ओर जाने वाली राप्ती सागर एक्सप्रेस छूट चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जहाँ पे हमारा मात्र 10 मिनट का स्टॉप है। मैं आप लोगों को बता दूँ, भारत में केवल 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, एक है चेन्नई सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल, त्रिवेंद्रम सेंट्रल
और साथ में अपना कानपुर सेंट्रल और मैंगलोर सेंट्रल। 1930 में स्टेशन को बनाया गया था, अभी ये 10 प्लेटफॉर्म का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है दिल्ली कानपुर हावड़ा लाइन का। और साथ में बता दूँ यहाँ से और भी बहुत सारे रूट गए हुए हैं, लखनऊ की ओर लाइन गई हुई है, उन्नाव होते हुए बालामऊ, फाफामऊ, बरेली, झांसी की ओर लाइन गई है, अनवरगंज होते हुए मैंने आप लोगों को लाइन दिखाई, जो इसे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन बनाते हैं इस रूट का। तो फिलहाल अच्छे के समय हम लोग यहाँ चलेंगे, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, जब यहाँ से हमारी ट्रेन चलेगी ना तो मैं आपको अपना घर भी दिखाने वाला हूँ, एग्जैक्टली कौन सा मेरा घर है, मेरा गांव कौन सा है, आप लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। अभी तो कानपुर के और भी बहुत सारे चक्कर लगने वाले हैं, बहुत सारी ट्रेनों से यहाँ से गुजरने वाले हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट और बिहार की ट्रेन को करने का वादा है। यहाँ पे कानपुर लखनऊ लाइन सामने की ओर जा रही है और हम लोग राइट तरफ मुड़ रहे हैं इलाहाबाद लाइन की ओर, यानी हमारे प्रयागराज लाइन की ओर। कानपुर सेंट्रल से निकलने के बाद चौथा स्टेशन जैसे पहले पड़ता है चंदारी, फिर चकेरी, रूमा, सरसौल ये मेरा गांव आप कह सकते हैं और जहाँ पे मैं रहता हूँ फैमिली के साथ और वहीं पे मेरा घर है, आप लोगों ने देखा वाइट कलर का घर वो मेरा ही था। और खैर सरसौल से निकलते निकलते ट्रेन धीरे हो गई, काफ़ी अच्छा लगा। चलिए अब करते हैं लंच और बाकी बातें आप लोगों से। आइए यहाँ पे जो लंच हमने नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का ही लिया है, चलिए देखते हैं कैसा स्वाद इसमें, पिकल वगैरह सभी चीज़ें हमें मिली हैं कि वेजिटेबल, दाल, चावल वगैरह, टेस्ट करके बताता हूँ कैसा इसका टेस्ट। पहली बारी है दाल की, देखते हैं कैसा है उसका टेस्ट। काफ़ी ठीक है, बस रोटी थोड़ी हार्ड है। सब्जी जो है वो काफ़ी टेस्टी लगी, बिल्कुल रिकमेंडेड है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का खाना। अभी लंच तक तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आगे देखते हैं हम लोग क्या लंच वगैरह करने वाले हैं। चलिए फिलहाल मैं इसे फिनिश कर लेता हूँ, जल्दी आप लोगों से मिलता हूँ फतेहपुर में। तो दोस्तों अब समय हो चला है फतेहपुर पहुँचने का, लेकिन आप लोगों को बता दूँ हमारे कोच के एसी में कुछ खराबी आ गई जिसके कारण शायद एक ट्रेन फतेहपुर में थोड़ा ज़्यादा रुके और नीचे से ट्रेन के कोच के कुछ ठीक करना पड़ेगा। ऐसी मैंने बात की अभी एक कंडक्टर सर से जो इस कोच की मेंटेनेंस वगैरह को देख रहे हैं, तो देखते हैं चलिए क्या होता है आगे का, तो आपको तभी पता चलेगा। मैं भी देखता हूँ क्या सीन है यार, एसी आधे कोच का काम कर रहा है आधे का नहीं कर रहा है, ट्रिप हो रहा है बार बार, देखते हैं क्या होता है। बहुत दिनों बाद इतनी सारी भीड़ों को एक साथ में देख रहा हूँ, मतलब झुंड ही झुंड वहाँ पे। और हम लोग फतेहपुर पहुँचने वाले हैं दोस्तों, यहाँ हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है फतेहपुर। यहाँ हमारा 2:30 का अराइवल टाइम था, बट थोड़ा डिले हो गया हम लोग को, 2:45 हो रहा है ऑलमोस्ट, और अभी हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। ट्रेन में आपको पेंडिकार में खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी जिनका स्वाद वगैरह काफ़ी अच्छा है। बाकी फतेहपुर में समोसे भी मिल रहे हैं, तो अगर आपको समोसे पसंद है तो आप ले सकते हो। चलिए देखते हैं यहाँ से डिपार्चर। थोड़े सफर के बाद हम लोग फतेहपुर से चल चुके हैं, यहाँ पर बंदरों को आप देख सकते हैं मस्ती करते हुए। ज़्यादा देर तो खैर हम लोग नहीं रुके और जो ट्रेन में इश्यू चल रहा था एसी का वो भी अभी रिजॉल्व नहीं हुआ, देखते हैं कब तक रिजॉल्व होता है वो। धूप बहुत ही ज़्यादा दोस्तों, ऐसे में बाहर निकलना बिल्कुल सेफ नहीं है, 40 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर है, गर्म ठंडी हवा अगर लग गई सीने में तो पूरी जर्नी तो हो नहीं पाएगी। और आप लोग के लिए भी यही सलाह रहेगी कि अभी आप ट्रैवल कर रहे हैं गर्मियों के मौसम में, गर्मी के माहौल में है स्लीपर में है तो उसी में बने रहें, और एसी में है तो बार बार गर्म ठंडा ना करें, दिक्कत हो जाएगी। चलिए चलते हैं अंदर और जल्दी कंटिन्यू करते हैं।
तो दोस्तों 4 बजे का टाइम था और थोड़े से डिले के साथ हम लोग आ चुके हैं प्रयागराज जंक्शन वोरा प्लेटफॉर्म नंबर 6 जहाँ पे मंडुवाड़ी नई दिल्ली एक्सप्रेस शिवगंगा एक्सप्रेस और वंदे भारत जैसी ट्रेन आपको देखने को मिलती हैं। बीच में लोकोमोटिव का ट्रिप शेड, बहुत सारे लोकोमोटिव्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे और हम लोग अब पहुँच चुके हैं प्रयागराज जंक्शन दोस्तों। हम लोग पहुंच गए हैं प्रयागराज और हमारी मुलाकात हुई है सौरभ भाई से जिनसे मैं हमेशा मिलता रहता हूं। भाई एक हेलो तो बनता है यार। हेलो भाई, प्रयागराज के बारे में कुछ बताओ यार, कुछ जानकारी जो विकिपीडिया में ना अवेलेबल हो ऐसा कुछ स्टेशन के बारे में। देखिए स्टेशन के बारे में विकिपीडिया पर तो आपको सब कुछ मिल ही जाएगा। 10 प्लेटफॉर्म्स का स्टेशन है, कुछ अनोखी अनोखी बातें हैं, कुछ ट्रेनें स्किप करती है एक बड़े स्टेशन होने के बाद। कौन सी स्किप करती है? अपनी डेडिकेटेड हैं, कुछ राजधानियाँ हैं जैसे सियालदह राजधानी, तो हमने देखी राजधानी है, अगरतला राजधानी है। अच्छा, उनके स्टॉपेज नहीं दिए हैं यहाँ पे। पहले भुवनेश्वर राजधानी का भी स्किप था, उसको हॉल्ट दे दिया है। अच्छा, अब खाने पीने की चीज़ें क्या अवेलेबल है स्टेशन में, आपने देखा ही होगा इतनी देर? हाँ, सब कुछ अवेलेबल है जो आपको चाहिए, फल से लेकर खाना पीना सब कुछ। बस कोच थोड़ा पीछे है, बाकी वो सारी चीज़ें अवेलेबल आपको। हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आए, 6 थोड़ा अलग बनाया गया ना बाहरी तरफ। 6 नंबर हो रहा है, अभी तो वंदे भारत का भी टाइम हो रहा है, अगर हॉल्ट रहा तो दिख जाएगी वो। अच्छा अच्छा, रुकेंगे इसे अभी, आप पूरी की गाड़ी निकालिए तो शायद थोड़ी देर और रोका जाए। और सौरभ भाई कुछ खाना पीना भी लेके आए हैं, चलिए इसे भी मैं खाऊंगा और सौरभ भाई से थोड़ी बात कर लेता हूँ, आप लोगों से मिलता हूँ, बस डिपार्चर होगा। अरे निकलते निकलते यहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस भी आ चुकी है वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चलने वाली, और हमारा डिपार्चर फाइनली प्रयागराज जंक्शन से हो चुका है दोस्तों। काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेशन है प्रयागराज इस रूट का, यहाँ से आपको प्रतापगढ़ के लिए, लखनऊ के लिए, वाराणसी के लिए, जबलपुर, इन सभी रूट्स के लिए ट्रेन मिल जाएंगी, साथ में हावड़ा, धनबाद, बिहार के सभी रूट्स, कानपुर के लिए, इन सब इम्पोर्टेंट रूट्स के लिए। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी ट्रेनें हैं यहाँ से। स्किप कर रहे हैं अभी नैनी जंक्शन को, यहीं से जबलपुर की ओर जाने वाली लाइन अलग हो जाती है। हम लोग बढ़ रहे हैं मिर्ज़ापुर वाली लाइन की ओर और नैनी की लाइन यहीं से अलग होती है। नैनी से आप जबलपुर, चित्रकूट, इटारसी जंक्शन, इन सभी रूट्स के लिए जा सकते हैं। हमारी संगमित्रा एक्सप्रेस या और भी जो ट्रेन्स आती हैं वो सभी ट्रेनें डायरेक्टली यहाँ आती हैं, प्रयागराज जंक्शन नहीं जाती हैं। अभी तक ये ठीक नहीं हुआ है, चल रहा है काम इसमें अभी भी। कितना टाइम लगेगा भैया लगभग? मिर्ज़ापुर चुनने वाला सेक्शन चल रहा है और यहाँ पे पेंट्री करके चाय आ चुकी है। खैर बहुत एवन तो नहीं, लेकिन हाँ अच्छी ज़रूर है, मतलब नॉर्थ ईस्ट की जो पेंट्री है इसे रिकमेंड कर सकता हूँ अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तो। प्लस फेवरेट मिक्सर ले लिए और इसी के साथ आप लोग भी इंजॉय कीजिए खूबसूरत नज़ारों को जो कि मिर्ज़ापुर से चुनर के बीच में बहुत सारे आने वाले हैं। जल्दी आपको मिर्ज़ापुर स्किप दिखाता हूँ और चुनर जंक्शन आप लोग देखिएगा।
हमारी ट्रेन ने दोस्तों मिर्ज़ापुर को भी बिना रुके पार कर लिया और बहुत ही अच्छे काम हो रही है। यहाँ हमारी ट्रेन अभी चुनार जंक्शन से निकल रही है। यहाँ से एक रास्ता चोपन की ओर जाता है, वही आगे गरवा रोड वगैरह, और हम लोग बढ़ जाएंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाले रूट पे। और पीछे छोटे मोटे पहाड़ी भी अभी आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है शाम के समय ये। काश आप लोग भी होते हैं यहाँ पे तो इन्जॉय कर पाते हैं नज़ारों को मेरे साथ। फिलहाल हमारी ट्रेन रुकी नहीं है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगा देख रहा है कि अच्छी खासी रफ्तार में ट्रेन ने चुनार को स्किप कर लिया है। कोशिश मेरी यही रहती है कि रूट्स को डिटेल में कवर करूं। भाई मेरा तो टारगेट रहता है कि आप लोग को जितना ज़्यादा ट्रेन दिखा पाऊं, जितना ज़्यादा ट्रेन जर्नी फील करवा पाऊं, उतना मैं करवा सकूं। बाकी मेरे से बुराई वगैरह ट्रेनों की नहीं की जाती वीडियोस में, दिल नहीं मानता, गवारा नहीं करता। ट्रेनों के बीच में रहना ही अच्छा लगता है, तो उनकी बुराई कैसे कर दें हर वीडियो में। काफ़ी देर भैया लगे रहे हैं और अभी दीनदयाल उपाध्याय आने वाला है, तब तक जाके इन्होंने इसे ठीक कर ही दिया आखिरकार, और जो एसी के अंदर की कूलिंग है वो सही हो गई है, तो थैंक्स अ लॉट भाई। सामने हमारी खड़ी हुई है हावड़ा नई दिल्ली पूर्व एक्सप्रेस और हम लोग अब पहुंच चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। टाइम था हमारे यहाँ 6:43 का, चलिए बताता हूँ कितने मिनट में आप। यहाँ हम लोग पहुँच गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। 6:43 हमारे यहाँ पर टाइम था, पर 7:20 PM हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ पे सबसे चीज़ मुझे लगती है कि स्टेशन में हमेशा ही फल, जो भी सीज़न के फल होते हैं वो ज़रूर मिल जाते हैं, और साथ में खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ऑर्डर लेने वाले वेंडर बहुत सारे आते हैं, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। यह एकदम चहल पहल वाला पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, फल वगैरह आपको हर सीज़न में मिल जाएंगे। यहाँ आने में हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं दोस्तों। आज दीनदयाल उपाध्याय इस रूट का काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है, पहले से मुगल सराय जंक्शन के नाम से जाना जाता था। यहाँ से कई रूट गए हुए हैं, एक हुआ है सासाराम की ओर और दूसरा जिसमें अभी हम लोग बढ़ने वाले हैं आरा होते हुए दानापुर की ओर। खैर यहाँ से वाराणसी वाले रूट पर भी हम लोगों ने यात्रा की, जिसमें मालवीय ब्रिज जो कि रेल कम रोड ब्रिज है वो आप लोगों ने देखा है मेरे साथ हाल ही। पटना कोटा एक्सप्रेस में हम लोगों ने जर्नी यहीं पर एंड की थी, उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ देख सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है और मुझे सबसे चीज़ यहाँ की यह लगती है कि यहाँ पे खाने पीने का कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा है, कमसम से लेकर जितने भी ब्रांड्स हैं सबका कॉम्पिटिशन रहता है। आउटर से वेंडर्स चढ़ जाते हैं ऑर्डर लेने लगते हैं, और स्टेशन में भी काफ़ी फ्रेश चीज़ें मिलती हैं। तो कभी आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपके लिए ये डिनर के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन रहेगा। साथ में दानापुर पटना वगैरह को तो हम लोग रिव्यू करेंगे जब जो आगे स्टेशन आने वाले हैं इस रूट पे,
चलिए कुछ समय में मिलता हूँ आपको जब ट्रेन का डिपार्चर होगा। दोस्तों रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, अब चला जाए अंदर, रात में दिखाने के लिए कुछ खास है नहीं। मिलता हूँ आप लोगों से आ रहा हूँ और बक्सर पे। सेवन फिफ्टी फोर का अपना टाइम था और यहाँ 8:55 हो रहा है। हम लोग पहुँच चुके हैं बक्सर में दोस्तों, मतलब आप स्टेशन देख सकते हैं कैसा खुला खुला सा है। यहीं पे ऑटो वगैरह पार्क नहीं हुए, यहीं खुले में बना हुआ है स्टेशन। कोई बहुत बड़ा स्टेशन नहीं है लेकिन पटना में हम लोग अब पहुँच चुके हैं। मात्र 2 मिनट के स्टॉप के बाद हम लोग बक्सर से निकल चुके हैं और बहुत छोटा सा रेलवे स्टेशन है आप देख सकते हैं। खैर 1 घंटा लेट हो चुके हैं यहाँ तक हम लोग, आगे देखते हैं कुछ कवर हो पाता ही नहीं। दानापुर तक अभी हमारा अगला स्टॉप आ रहा है, फिर दानापुर और रात में पाटलिपुत्र तक कवर करने वाले हैं आपके इस पार्ट 1 से। बाकी आप लोग देखते हैं जिस तरह से सफ़ा है। यहाँ हम लोग बिहार में अपने दूसरे स्टॉप यानी आरा जंक्शन पहुँच चुके हैं। यहाँ से सासाराम के लिए भी एक लाइन गई हुई है, इसलिए आरा को जंक्शन कहा जाता है। वैसे आरा में हमारा टाइम 8:35 का था यानी 8:35 का, पर यहाँ हम लोग 9:50 पे पहुँचे हैं, 9:55 पे सॉरी, जिसके कारण आप समझ सकते हैं हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी 1 घंटा 20-25 मिनट लेट पहुँच चुके हैं। तो देखते हैं आगे सफ़र कैसा रहता है। यहाँ हमारी ट्रेन दोस्तों पहुँच चुकी है अब दानापुर रेलवे स्टेशन। दानापुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1A पे नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस को लिया जा रहा है और 1 पे अजमेर एक्सप्रेस आने वाली है, अजमेर राजेंद्र नगर एक्सप्रेस। और वहाँ हमारे सामने खड़ी है दानापुर पुणे एक्सप्रेस सेंट्रल रेलवे की। तो दोस्तों यहाँ अपनी ट्रेन पहुँच चुकी है दानापुर रेलवे स्टेशन और आज के इस जर्नी वीडियो पे यहीं पेंड करना चाहूँगा क्योंकि आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है। और सुबह हम लोग 7:40 आनंद विहार से चले थे और नॉन स्टॉप कवरेज चल रही है, धूप ठंडी सब अप डाउन हो रहा है। और उसके साथ मैं आप लोगों को बता दूँ कि 7:40 की ट्रेन को पकड़ने के लिए मैं अपने होटल में 5 बजे उठा था, 6 बजे वहाँ से निकला, तब जा करके आपको ये सभी चीज़ दिखा पा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे समझेंगे और अगर इस मेहनत को और सपोर्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं स्टडी द ट्रेन गुरु, वहाँ भी मैं ऐसे अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ, जैसे मैंने आज की पोस्ट को भी शेयर किया था। मिलूँगा आप लोगों से जल्दी ही इस वीडियो के पार्ट 2 में, जहाँ हम लोग पटना से पूरा कामाख्या तक की जर्नी को देखेंगे नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं जल्दी, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों। गाड़ी संख्या 02A5।